सहयोग एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली है। यह एक ऐसा सिलसिला है जिसके जरिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आपस में संगठित होते हैं और अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। समानता और समता सहयोग का मूल तत्व है। सहकारिता के 6 प्रमुख सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत सहकारिता को अन्य जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे पूंजीपति, पूंजीवाद, समाजवाद से अपने आप से एक पृथकता प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत हैं खुली और स्वैच्छिक सदस्यता, दूसरा सिद्धांत है प्रजातांत्रिक प्रबंध, तीसरा सिद्धांत है पूंजी पर सीमित ब्याज, चौथा सिद्धांत है कि जो सहकारी समिति में बचत होती है उसका स्वामित्व सदस्यों पर रहता है, पांचवा सिद्धांत है सहकारी शिक्षा, और छठवां सिद्धांत है सहकारिताओं में आपसी सहयोग और संबंध। सहकारी संस्थाओं का जो संगठनात्मक ढांचा है वह संघीय है, यानी प्राथमिक स्तर पर समिति होती है जिसको प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इनका संघ होता है क्षेत्रीय स्तर पर, यानी जिला स्तर पर, और जिला स्तर की सहकारी समितियों का संघ होता है राज्य स्तर पर, और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों का संघ होता है राष्ट्र स्तर पर। और सहकारिता के विभिन्न सेगमेंट्स हैं, अनुभाग हैं, जैसे सहकारी साख के लिए इसी प्रकार की संघीय प्रणाली है, विपणन व्यवस्था के लिए भी इसी प्रकार की संघीय प्रणाली है, उसी प्रकार से अन्य सहकारी समितियों के लिए भी संघीय संगठनात्मक प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहकारिताओं का संगठन है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ अथवा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत सरकार और राष्ट्रीय सहकारी समितियां नीति और सिद्धांतों के लिए जिम्मेवार हैं। हमारे संविधान में सहकारिता राज्य का विषय है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर राज्य अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सहकारी समितियों के विकास के लिए, उनके नियंत्रण के लिए, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, नीति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्र स्तर पर जो कृषि और सहकारिता विभाग है उसकी जिम्मेवारी है नीति और कानून बनाने की, लेकिन यह विभाग सिर्फ उन्हीं सहकारी समितियों के लिए कानून बनाता है जिनका कार्य क्षेत्र एक राज्य से अधिक है, जिनको हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। इसमें नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी शामिल हैं, और ये जो कानून बनाया जाता है इस प्रकार की सहकारी समितियों के लिए, उस कानून का नाम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इस तरह राज्य सहकारी कानून है राज्य में कार्यरत सहकारी समितियों के लिए, और एक राज्य से अथवा अधिक राज्यों का जो कार्य क्षेत्र है उनके लिए कानून है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सहकारी नीति राष्ट्र स्तर पर भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा बनाई जाती है, और राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार का सहकारिता विभाग है वो नीति निर्धारित करता है। देश के समूचे सहकारी क्षेत्र ने, जिसमें कि प्राथमिक स्तर की समितियां, जिला स्तर की समितियां, राज्य स्तर की समितियां और राष्ट्र स्तर की समितियां शामिल हैं, सबने मिलकर के राष्ट्र स्तर पर एक संघ बनाया है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। ये सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों का कॉन्फेडरेशन है, जिसको महासंघ की भी संज्ञा दी जा सकती है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और तब से ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत है।
इसका प्रमुख कार्य है सरकार और सहकारिता आंदोलन, सहकारिता क्षेत्र के बीच में नीति निर्धारण के लिए एक कड़ी का काम करना। अर्थ ये हुआ, सहकारिता आंदोलन के विचार और उसकी जो समस्याएं हैं उनका प्रस्तुतीकरण सरकार के समक्ष किया जाता है और सरकार का जो विचार है वो सहकारिता आंदोलन के पास लाया जाता है इस राष्ट्रीय सहकारी संघ के द्वारा। इसी प्रकार के समिति संघ जो हैं राज्य स्तर पर भी बने हैं जिनको हम राज्य सहकारी संघ कहते हैं। ये संघ भी राष्ट्रीय सहकारी संघ के ही उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हैं, यानी राज्य सरकार जो सहकारिता संबंधी नीति निर्धारित करती है और जो सहकारी क्षेत्र के जो विचार हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक कड़ी का काम करते हैं ये राज्य सहकारी संघ। इसके अलावे भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना की है। यह निगम सहकारी विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता देता है और सहकारिताओं को मजबूत बनाने के लिए सलाह मशवरा भी सहकारी क्षेत्र को देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कृषि समिति प्रमुख हैं जिनको हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बोलते हैं, और ये जो समितियां हैं वो ग्रामवासियों के विकास के लिए हैं। इनके प्रमुख कार्य सहकारी साग का वितरण, विपणन व्यवस्था करना, भंडारण करना और एग्रो प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं प्रक्रिया का भी काम करना। और इनका जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो है लघु और सीमांत किसान। गाँव में ज़्यादातर जो किसान हैं वो लघु और सीमांत वर्ग के ही हैं। आइए अब हम उत्तर प्रदेश के एक शहर नानौता चलकर ये देखें कि वहाँ की चीनी सहकारी मिल में किस तरह से कार्य होता है। चीनी मिलों के तीन प्रकार के मॉडल्स हमारे देश में हैं। नंबर एक सहकारी चीनी मिल, दूसरे प्राइवेट सेक्टर के चीनी मिल जो प्राइवेट व्यापारी जिनके मालिक हैं, और तीसरे राज्य संचालित जो कॉरपोरेशंस के द्वारा संचालित हैं। राज्य सरकार की के निर्णयों के अनुसार में सहकारी चीनी मिल केंद्रीय सरकार द्वारा तय की गई प्राइस से ज़्यादा प्राइस देती हैं गन्ने की। जैसे कि यूपी में 44 रुपये और 40 रुपये के बीच में प्रति क्विंटल गन्ने की प्राइस है जो केंद्र सरकार द्वारा तय की प्राइस से अधिक है। अब हमारा जो अब फिलहाल जो गन्ने का रेट है वो दो गवर्नमेंट ने किए हैं, एक 45 रुपये एक 48 रुपये। अब हमारी जो हमारी चीनी मिल है वो COJ64 एक नई वैरायटी जो है जिसका 3 रुपये अधिक है वो 48 रुपये है, 48 रुपये हमको चीनी मिल देती है। चीनी मिल का इस वर्ष के लिए जो गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है वो शीघ्र पकने वाली जातियों का 48 रुपये प्रति क्विंटल गेट पर, और 45 रुपये जो सामान्य जातियां हैं उनका है। जबकि मैं समझता हूं कि क्रेशर्स पर इस वक्त 25-26 प्रति क्विंटल की दर से ही हो। चीनी मिल द्वारा गन्ने की का जो मूल्य है उसका भुगतान तो शीघ्र से शीघ्र होता ही है, उसके लाभांश का जो फायदा है वो भी किसानों तक पहुंचाया जाता है। और इसका मुख्य कारण ये है कि सहकारी चीनी मिल दूसरे मिलों के मुकाबले में अधिक एफिशिएंट हैं और किसान जो इसके उत्पादक और मालिक हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं। मेंबर हूँ मैं। इसमें आपको शेयर भी पैसा लगाते हैं आप? शेयर लगा, हमारे शेयर कटे हैं पहले, 4,000 रुपये मेरे कटे हैं। मिल को जो फायदा होता है जब आपने पैसा लगाया है तो जो फायदा होता है उसका उसके फायदे का कुछ हिस्सा आपको मिलता है? उसका कुछ हिस्सा कुछ लोगों को तो मिल गया और कुछ का सुना जो है उनके उसमें जमा कर दिया वहीं उनके हिसाब किताब जो है लेने देने के, क्योंकि हम इनसे कर्ज भी लेते हैं, हम इनसे खाद भी लेते हैं, हम मशीनें भी लेते हैं, बीज भी लेते हैं, बहुत सी चीज़ें इनसे लेते हैं हम। हमारे उस लेन देन के खाते में ही हमारा पैसा सुना है कि जमा कर दिया, कुछ को ऐसे दे दिया, जो नहीं ले सके उनका उसमें जमा कर दिया। सहकारी संस्था चीनी मिल नानौता में करीब 17,000 में सदस्य हैं। सब किसान है या नहीं? किसान ही सदस्य होता है चीनी मिल नानौता का। बड़े किसान हैं? नहीं, छोटे और बड़े सभी तरह के किसान हैं।
तो यहाँ शायद ऐसा होता होगा कि जो ज्यादा पैसा लगाते हैं लाभ उनको ज्यादा मिलता होगा। नहीं, उसमें ऐसा है, हमारे यहाँ से जब ये चीनी मिल नानोता लगने की शुरुआत हुई थी तो गवर्नमेंट की स्कीम के मुताबिक किसानों को जो है, चूंकि सहकारी चीनी मिल इसका नाम है, तो किसानों को सदस्य बनाया और किसानों का जो अंश रखा इन्होंने वो जमीन के हिसाब से रखा, जिसके पास एक एकड़ गन्ना था उस टाइम उसको 100 रुपए का इन्होंने मेंबर बनाया। इस तरह की एक स्कीम आई, जिसके पास 100 बीघे गन्ना था उसको जो है उसी हिसाब से 100 रुपए पर एकड़ के हिसाब से इन्होंने जो है 2000 रुपए का मेंबर बनाया। इस हिसाब से जो छोटे किसान है उनका शेयर कम है, जो बड़े किसान है उनका शेयर ज्यादा है। छोटे किसानों को लाभ भी ज्यादा पहुंचता होगा ना? छोटे किसानों को जब ये हमारी चीनी मिल जो है लाभ देती है, इसने अभी तक जो है 1 वर्ष लाभ दिया, चूंकि उससे पहले जो है हमने गवर्नमेंट का जो हमने लोन लिया था वो हमने उतारा, उसके बाद में हमारी चीनी मिल फ्री हुई, फ्री होने के बाद में इन्होंने 4% का हमको 1 साल का जो है वो लाभ दिया, वो छोटे किसानों को अंश के हिसाब से लाभ मिला। उसके बाद में ये हमारी फैक्ट्री जो है 12,500 की कैपेसिटी है, 25,000 की कैपेसिटी की जो हुई, तो उसमें फिर हमें गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ा, उस लोन को उतारने के लिए अब जो है किसानों को नहीं दिया जा रहा। तो जब ये लोन से फ्री हो जाएगा हमारा चीनी मिल, तो उसी तरह ये अंश जो है हमारे अंश के हिसाब से फिर हमें पैसा जो है हमारी चीनी मिल देगी। चीनी मिलों में लाभांश का वितरण वो या तो सहकारी चीनी मिल के निर्माण के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए किया जाता है, परंतु उसका अधिकांश जो भाग है वो किसानों की बहबूदी में ही प्रयोग में आता है। उदाहरणार्थ जो वो गन्ना सप्लाई करते हैं उस पर उनको अतिरिक्त मूल्य दिया जाता है जो कि राज्य सरकार द्वारा मूल्य से अधिक होता है। दूसरे स्प्रे वगैरह जो किए जाते हैं गन्ने की फसल की रक्षा के लिए वो कई दफ़े फ्री में किए जाते हैं या कंसेशनल रेट पर किए जाते हैं। तीसरे जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं वो उनको दिए जाते हैं, उनमें सब्सिडी दी जाती है। और चौथे जो वहाँ पर ये फर्टिलाइजर वगैरह है उसको भी वो कंसेशनल रेट पर देते हैं। इस तरह से जो लाभांश है उसका वितरण किसानों की बहबूदी के लिए ही किसी न किसी प्रकार से किया जाता है। चीनी मिल गन्ना विपणन और विकास का दोनों कार्य करती है। गन्ना विकास में मुख्य रूप से कृषकों को खाद उपलब्ध कराया जाता है। हम ये कोशिश करते हैं कि 3-4 किलोमीटर से दूर कृषकों को खाद लेने के लिए न जाना पड़े। इसके लिए हमने क्षेत्र में 6 खाद गोदाम खोले हुए हैं जो ननौता में हैं, गंगो में, जड़ौदा पांडा, रामपुर, जलालाबाद में हैं, और उनको नाबार्ड योजना के अंतर्गत सस्ते ब्याज पर खाद उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो अनुसंधान के केंद्रों पर गन्ने की नई जातियाँ निकाली जाती हैं उनको जो है अनुसंधान केंद्रों से लाकर कृषकों के यहाँ संवर्धित कराते हैं और उस बीज से उसकी आधार पौधशाला तैयार कराते हैं, फिर आधार पौधशाला से कृषकों के यहाँ प्राइमरी पौधशाला कराते हैं जिससे सामान्य में बीज दिया जाता है। और इस प्रकार जो अच्छी शोध केंद्रों द्वारा जो उन्नतशील जातियाँ निकाली जाती हैं उनको कृषकों तक पहुँचाते हैं, उससे कृषकों को जो है अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त जो है जो गन्ने की फसल पर कीड़े या बीमारी लग जाती हैं तो उनके लिए जो है स्प्रे वगैरह भी हम कराते हैं और उस पर 50% सब्सिडी दी जाती है। और कीटनाशक भी अपने स्टोरों से हम सोसाइटी गन्ना चीनी मिल के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि हम इनसे कर्ज भी लेते हैं, हम इनसे खाद भी लेते हैं, हम मशीनें भी लेते हैं, बीज भी लेते हैं, बहुत सी चीज़ें मिल से लेते हैं। हम घर की हालत भी सुधरी, स्टैंडर्ड भी अच्छा हुआ, हमने कुछ औजार मशीनें वगैरह भी और खरीदी, अब हालत लोगों की पहले से बहुत अच्छी है। लाभांश का वितरण चीनी मिल के क्षेत्र में रोड कंस्ट्रक्शन में भी प्रयोग किया जाता है। दूसरे जो वहाँ के उस क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं उनके भवन निर्माण हेतु या उनको सामान्य सहायता के रूप में दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो रोड सड़कों का विकास है उससे उस क्षेत्र का विकास हो, और जो स्कूल्स हैं वहाँ पर किसान जो उस चीनी मिल के सदस्य हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा कम मूल्य पर मिल सके। बहुत लाभ पहुंचा जब से हमारी ये सहकारी संस्था चीनी मिल जो हुई, तब से हमारे गांव की सड़कें बहुत अच्छी होगी। कच्चे रास्ते थे, अब तो सभी करीब करीब पक्के हो गए। हर गांव में जो है, चूंकि हमारा जो है 25 पैसे हम जो है रोड फंड का देते हैं, 25 पैसे पर क्विंटल हम रोड फंड देते हैं अपनी सहकारी चीनी मिल को, जिससे जो है 25 पैसे हमारी चीनी मिल लगाती है और 50 पैसे गवर्नमेंट देती है, 1 रुपया मिलकर वो सब गाँव में ही लगता है।
और हॉस्पिटल वगैरह की तो सुविधा है हमारे नानोत्ता में बहुत अच्छी हो रही है। अब जो है हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। अभी जो है दूसरा हॉस्पिटल मवेशियों का जो है अभी नया बना है, उसका अभी एक महीना पहले ही जो है नया हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई है यहाँ की जो डॉक्टर्स थे। स्कूल जो है यहाँ हमारे क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज है, हमारा दुर्भाग्य है कि एक इंटर कॉलेज है, जबकि हमसे अभी करीब 15 किलोमीटर पर तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी है, एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, लेकिन हमारे इस नानोत्ता क्षेत्र को जिसके क्षेत्र कहना चाहिए उसमें तो एक ही इंटर कॉलेज है जो क्या कहना चाहिए कि कम है। चीनी मिल के माध्यम से जो एक गन्ना विकास परिषद है उसके सहयोग से क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य भी चलाया जाता है। ये अंतर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत कराई जाती है। इसमें कृषकों का 25 पैसे प्रति कुंटल की दर से कटौती होती है, उतना ही चीनी मिल देती है और उतना ही राज्य सरकार से प्राप्त हो जाता है, और वो जो पैसा होता है वो सब उसकी रोड्स बनाई जाती हैं। ननौता सहकारी मिल के क्षेत्र में और भी कई विकास हुए हैं। उदाहरणार्थ वहाँ पर जो सामान्य मूल्य है ज़मीन का वो इस मिल के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कई औद्योगिक केंद्र भी वहाँ पर बने हैं, जैसे जो गन्ने के मिल के द्वारा जो बैगेस बाई प्रोडक्ट के रूप में आती है उसको कागज बनाने के लिए भी कई कारखाने वहाँ पर लगे हुए हैं, और इस मिल के प्रांगण में ही एक डिस्टिलरी की स्थापना की गई है, जहाँ पर उसके मोलेसेस द्वारा या तो केमिकल्स या स्प्रिट वगैरह बनाई जाती हैं, जिनका हम उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लिए कर सकते हैं और शराब बनाने के काम में भी आ सकता है। इससे काफ़ी लाभ उस क्षेत्र को होता है। नानोता डिस्टिलरी 1985 में स्थापित हुई थी और 4 अप्रैल 1985 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। ये उत्तर प्रदेश चीनी सहकारी संस्था लखनऊ की एक इकाई है। उत्तर प्रदेश चीनी सहकारी संस्था के पास 33 चीनी मिले हैं जो चालू हालत में हैं, 2 मिले अभी स्थापित होने वाली हैं। इसके पास 8 डिस्टिलरी हैं, 5 डिस्टिलरी सहकारी चीनी मिल का हिस्सा हैं, लेकिन 3 डिस्टिलरी चीनी सहकारी संस्था का हिस्सा हैं क्योंकि सरकार ने चीनी मिल को लाइसेंस नहीं दिया। इस डिस्टिलरी में 1 करोड़ की लागत आई थी, 50% शेयर का पैसा लगा और 50% हमने NCDC से कर्ज लिया। इस डिस्टिलरी की क्षमता एक दिन में 33,000 लीटर की है, एक साल में ये 90 लाख लीटर माल पैदा करती है। अभी हम 4 रुपए पर लीटर के हिसाब से स्प्रिट बेच रहे हैं। पिछले साल हमें 75 लाख का मुनाफा हुआ और इस साल भी हम इतने ही फायदे की उम्मीद करते हैं। हमें 90 लाख लीटर माल पैदा करने के लिए काफी मोलेसेस की आवश्यकता होती है। हम कुछ मोलेसेस अपनी मिल से लेते हैं और बाकी दूसरी मिलों से खरीदते हैं। ये डिस्टिलरी 3 भागों में बटी हुई है। एक भाग जिसे फर्मेंटेशन सेक्शन कहा जाता है, इसमें मोलेसेस को अल्कोहल में बदला जाता है। ये अल्कोहल एक बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है जिसे ईस्ट कहते हैं। फर्मेंटेशन में केवल 7-8% अल्कोहल रह जाता है, जिसे डिस्टिलेशन के द्वारा 96% अल्कोहल में बदला जा सकता है। हमारे पास 5 टन की क्षमता वाला एक बॉयलर भी है। अल्कोहल बाय डिस्टिलेशन गिविंग स्टीम इन द प्लांट। वी आर आल्सो हैविंग ए बॉयलर ऑफ द 5 टन कैपेसिटी। वी आर आल्सो हैविंग ए इसके अलावा हमारे पास एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। सहकारी क्षेत्र द्वारा ऋण व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो 3 स्तरीय ढांचे पर निर्भर करती है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां हैं जो फार्मर्स को कर्ज देती हैं, और इन समितियों का जो संघ है वो ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में काम करता है। ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्रामीण सहकारी समितियों को ऋण देता है, और ग्रामीण सहकारी समितियां अपने जो कृषि उत्पादक हैं उनको ऋण देती हैं, और इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा सरप्लस जो पैसा है वो ये बैंक्स उपयोग करती हैं, और बाकी जो ऋण की कमी रहती है
वो नबार्ड जो एक शासकीय संस्था है वो राज्य सहकारी संघ के द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों को देती है, और केंद्रीय सहकारी बैंक अपनी प्राइमरी स्तर की समितियों को ऋण की व्यवस्था करते हैं जो किसानों तक पहुंचता है। इस प्रकार से जो ऋण व्यवस्था है सहकारी क्षेत्र की वो इनके स्वयं के सहयोग से और नबार्ड के सहयोग से पूरी की जाती है, और जो सरप्लस पैसा है वो दूसरे विकास कार्यों में भी या जो जो रोजगार की क्षेत्र हैं उनमें भी दिया जाता है। जैसे वीवर्स कोऑपरेटिव है हमारी जो बुनकर सहकारी समितियाँ हैं और दीगर औद्योगिक सहकारी समितियाँ हैं उनको भी केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से जो सभी सहकारी क्षेत्रों के लिए जो विकास के लिए ऋण चाहिए उसकी व्यवस्था सहकारी क्षेत्र के बैंक ही करते हैं। सहकारी ऋण व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारी बैंक की स्थापना की जा रही है जिसको हम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक का नाम देते हैं। सहकारी मिलों में भ्रष्टाचार, बड़े किसानों द्वारा शोषण और राजनीतिक प्रभाव की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहां किसान ही प्रबंधक होते हैं और ये किसान ही होते हैं जो अफसरों को चुनते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर चुनाव पाबंदी के साथ नहीं होते हैं जिससे किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सहकारी संस्था में चुनाव होते हैं लेकिन अभी किसी वजह से, चूंकि किसी चीनी मिल ने स्टे ले लिया था हाई कोर्ट से, उस वजह से जो है ये अभी चुनाव हमारी चीनी मिल में नहीं है। हमारी चीनी मिल का जो चेयरमैन है वो कलेक्टर होता है अभी जब तक जो है चुनाव नहीं होंगे। वैसे डायरेक्टर और चेयरमैन जो है वो अलग से होते हैं जब चुनाव होते हैं, अभी 4-5 साल से नहीं चुनाव हुए, चूंकि स्टे आया हुआ है, कहीं किसी चीनी मिल ने ले लिया तो सभी पर लागू हो रहा। ननौता सहकारी चीनी मिल और यूपी के अन्य सहकारी चीनी मिलों में निर्वाचक संचालक मंडल नहीं है, बल्कि वहाँ के जो जिलाधीश हैं वही अपने क्षेत्र के सहकारी चीनी मिल के प्रशासक नियुक्त होते हैं और वही संचालक मंडल के सभी उत्तरदायित्व को निभाते हैं। इसलिए जो मेंबर्स हैं, जो कृषक हैं और जो इसके इस सहकारी चीनी मिलों के ओनर्स हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में कोई उत्तरदायित्व नहीं है, ना उनका कोई योगदान है। मिल के जनरल मैनेजर सरकारी कर्मचारी हैं जो पीसीएस अफसर होते हैं और ये एक खास अवधि के लिए सहकारी मिल में आते हैं। ये अधिकतर राज्य सरकार या अपने उच्च अधिकारियों के ही निर्देश के अनुसार काम करते हैं और किसानों की बहबूदी और जो सदस्य हैं या सहकारी मिलों के जो उद्देश्य हैं उनकी तरफ वो कम ध्यान देते हैं। सहकारी क्षेत्र की बड़ी संस्थाओं में ट्रेड यूनियन का भी पदार्पण हुआ है जो कि बहुत ही लेट स्थिति में है, यानी अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले, और इसकी जो शुरुआत है वो राजनीतिक इंटरवेंशन के रूप में ज़्यादा है बनिस्पत अंदरूनी कमियों के कारण। ट्रेड यूनियन जो है वो किसानों की नहीं है, वो तो वहाँ के वर्कर्स की ट्रेड यूनियन है। हम जो यहाँ के स्थानीय समस्याएं हैं मजदूरों की, उसमें सहयोग करते हैं। मैं सहकारी किसान चीनी मिल मजदूर संघ का प्रधान हूँ और यहाँ पर जो चीनी मिल है इसका भी सदस्य हूँ। उसके बावजूद भी इस चीनी मिल का जो समिति है उसका मेंबर होने के बावजूद भी हमने यहाँ पर यूनियन की स्थापना की है। वो मैच इसलिए की है क्योंकि जो यहाँ पर चीनी मिल है उसका कार्य क्षेत्र अलग है और जो हमारी यूनियंस है इसका कार्य क्षेत्र अलग है। हमारी जो यूनियंस है ये खाली मजदूरों के कल्याणकारी जो योजनाएं होती है उसमें सहयोग करती है, मजदूर संबंधी जो समस्याएं होती है उनके निवारण में बराबर मैनेजमेंट के साथ संपर्क बनाकर उनको हल कराती है और जब भी कोई शोषण होता है मजदूरों का पक्ष लेती है। मिल इतना पिलाई नहीं कर सकता जितना उसका क्षेत्र में गन्ना है, 25% के करीब पिलाई करता है, क्योंकि यहाँ गन्ने का इतना बड़ा क्षेत्र है इस इलाके में कि गन्ने को पूरी तरह सप्लाई नहीं कर पाते। जो बचता है गन्ना वो काश्तकार बहुत कम कीमत पर, आधी कीमत पर क्रेशरों में, कोलू वगैरह में इस तरह है उसे अपने गन्ने को ख़राब करता है। हमारे क्षेत्र में इस गन्ने के लिए या तो इस मिल की अक्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए वरना कोई दूसरा मिल अगर लग जाए तो गन्ने को पूरा क्षेत्र का गन्ना सप्लाई हो सकेगा।